नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी के स्वागत करते रहे भोजपुरी दिमच। भोजपुरी के देखिए सुपरस्टार में बहुत सारा लोग नाम बटे, लेकिन एगो नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहेगा और वो नाम बटे अंकुश राजा के जोड़ी के। अंकुश राजा के आप लोग जानते हो कब जा काहे कि दर्दिया दे रजू से गाना से रातों रात सुपर स्टार बनल रह जा। और ये गाना जोन बाटे भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा तहलका मचेले रहे और काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हिट बन रहे, जरा बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में कूदना जा और दोनों भाई लगभग एक टाइप का कपड़ा पहन के कहीं भी परफॉर्म करे खातिर उतरे न जा। और ये जोड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करता। अगर ओकरा बाद हम गाना के बात करें तो लाखों हैं दीवाने तेरे, लाखों हैं दीवाने जैसन गाना जोन बाटे भोजपुरी इंडस्ट्री में दहलन जा। एक बाद जोन बाटे अगर हम बात करी पकड़ैलू रहरिया में, ये सब जो गाना बाटे हैं जाना का बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हिट भेल। और इनकरा के लोग खास करके ऐसे पसंद कर लगा कि दोनों जना कहीं भी जान जा तो दोनों जना एक साथ जलन जा, एक साथ गाना गल जा, एक साथ स्टेज पर उतरल जा, एक साथ डांस करने जा, एक साथ एल्बम करने जा और हर चीज़ एक साथ लगभग करे ना जा। तो ये सब बाटे इनकर एक बेस्ट कपल का अगर हम बात करें, बेस्ट जोड़ी का बात करें तो ये सब जोड़ी जो बाटे भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट बा। तो बहुत सारा लोग के जानकारी, बहुत सारा लोग के कमेंट और बहुत सारा लोग की जानकारी चाहत रह कि अंकुश राजा के पास कॉमन गाड़ी भी है, यानी कि अपन होला चाहेता कलाकार होलन कि वो सुपरस्टार चाहेता कलाकार होलन और वो चाहेता कलाकार के बारे में लोग जानल चाहेला और लोग उनकर जानकारी चाहला। तो यही से लोग कमेंट करता कि बताइए भैया कि तनिक जौन बाड़े अंकुश राजा उनका पास कौन गाड़ी भी है ताकि वो लोग के पता चल जाए। देखिए हम पहले बता देते आप लोग हम लोग वीडियो बनौले रही और वीडियो में बतौले रही कि जो अंकुश राजा वाली बाड़न जा लगभग कितना पैसा महीना के कमाना जा। तो वो जो महीना का पैसा रहे वो सब वहाँ स्टेज शो रहे, आपके एल्बम कर रहे, फिल्म कर रहे या फिर चैनल पर कुछ चलता, तो वो सारा मामला मिला के वहाँ जाने की हम जानकारी बतौले रही और वो माध्यम से लगभग वहाँ जाने का 8.5 लाख रुपया महीना का कमाई बांटे। हम ऐसा जानकारी विवरण दे रहे आप लोग हमारे चैनल पर जाके आप लोग देख सकें जाके उनका जो कमाई बांटे वो कितना बांटे। लेकिन कमाई के बाद तो हम बतौले रही, लेकिन आप लोग भी जो आज हम बताइए कि अंकुश राजा के पास कौन गाड़ी भी आ, कौन चार चक्का भी आ, कौन दो चक्का भी आ। देखिए कि आई भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं भी जालन जा तो जाए खातिर भाई अपना पर्सनल गाड़ी चाहिए, दूसरा गाड़ी तो लेके जाए जाना इतना फेमस बाड़े जा के पहचान ले तो भीड़ लग जाए। तो ये सब चीज़ बाटे और एक अनुसार जो बाड़े अपन गाड़ी लेवे ही के पड़ेगा और भोजपुरी इंडस्ट्री में जे भी फेमस बा इतना वो अपन गाड़ी पर्सनल ले ही बा, कितना लोग अभी नहीं खेले लेकिन जे ले ले बा। और खास करके अंकुश राजा के बारे में जानकारी ले तो हम सोचें यहाँ कि आप उनके बताए। अगर हम अंकुश राजा के बात करें तो अंकुश राजा के पास जो गाड़ी भी है यानी कि अंकुश और राजा दोनों भाई बाड़े जा वहाँ जाने के पास जौन गाड़ी भी है चार चक्का में वो गाड़ी भी है आपके स्कॉर्पियो को टॉप मॉडल भी है, स्कॉर्पियो के टॉप मॉडल भी है। और अगर हम प्राइस की बात करें तो लगभग 14 से 16 लाख रुपया के बीच में एक प्राइस बाटे ऑन रोड प्राइस, तो उनका पास स्कॉर्पियो को टॉप मॉडल गाड़ी भी है। तो ये जानकारी दे आपके और चार चक्का में इनके पास स्कॉर्पियो भी है। अगर हम दो चक्का की बात करें तो इनका पास KTM गाड़ी भी है, KTM बाइक होले वो बहुत स्टैंडर्ड बाइक होले, डिजाइनिंग बाइक होले तो इनका पास KTM जोन बैठे स्टैंडर्ड बाइक भी है। और अगर हम प्राइस की बात करें तो लगभग 1,80,000 रुपया से लेकर 2 लाख रुपया के बीच में KTM का प्राइस बा। जब भी घर जालन जाए या फिर कहीं बाजार उजार जाएगी ओके तो वो कहीं माध्यम से वो लोग उपा घूमे ल जा। तो ये इनका पास 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के कलेक्शन बाटे और ये जानकारी बहुत लोग के चाहत रह सो तो एक अनुसार हम आपके बता दें कि जो अंकुश राजा बाड़न जा उनका पास स्कॉर्पियो के टॉप मॉडल 4 व्हीलर भी है और KTM के बाइक भी है जो उनका प्राइस लगभग 1,80,000 और स्कॉर्पियो की बात करें तो 14 से 16 लाख रुपया का प्राइस बाटे। तो ये जानकारी रह सो आपके क्या लगता, आप लोग की कुछ पता बा तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जा। हमारा जो पता रह सो अनुसार हम बताए नहीं जो टाटा इंटरनेट के माध्यम से मिलल जो यूट्यूब के माध्यम से मिल रहा अनुसार हम आप लोगों की जानकारी देनी है। जानकारी कैसा लगा, अगर जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल के पसंद करने तो सब्सक्राइब करके जरूर दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बा, नमस्कार।